बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ हैश ब्राउन, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इनको छील के अच्छे से धो के रख लिया है। एक छोटी प्याज, उसे भी बारीक चॉप करके रख लिया है। एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक अंडा जाएगा इसमें और मैदा जाएगा इसमें 3 टेबलस्पून। सबसे पहले जो आलू छील कर रखे हैं धोकर, इनको हमने ग्रेट कर लेना है। ग्रेटर की मदद से अच्छे तरीके से इसको ग्रेट करके सारे के सारे पोटैटोज को, ये देखिए इस तरीके से सारे पोटैटो मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब इन ग्रेट पोटैटोज को सबसे पहले ठंडे पानी में इनको डिप करके रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने बिल्कुल चिल्ड वाटर लिया और इसको उसके अंदर डिप करके अच्छे तरीके से मसल मसल कर जितना भी आलूओं के अंदर एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो निकालना बहुत ज़रूरी है। फिर एक मलमल का कपड़ा ले लें और उसके ऊपर ये सारे आलू जो कि मैंने धो के रखे थे इनको निकाल के, कोई भी साफ मलमल का कपड़ा ले सकते हैं, और इसको अच्छे से निचोड़ के इसका जितना भी एक्सेस एक्स्ट्रा वाटर है वो हमने निकाल लेना है। इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करते जाएंगे, इसका सारा वाटर निकल जाएगा। बेसिकली हमने इसको ड्राई करना है, बिल्कुल इसका अच्छे से पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना हमें बाइंडिंग के लिए मैदा ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकता है। बस इसको एक बॉल में निकाल लेना है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो हमने 3 टेबलस्पून मैदा रखा है वो इसमें ऐड कर देना है। ये बाइंडिंग एजेंट है, जो लहसुन रखा था पीस के वो चला गया है, प्याज बारीक चॉप की हुई वो चली जाएगी इसके अंदर, और एक अंडा जो रखा था वो इस टाइम पे तोड़ देना है। थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है। आधी चम्मच ही मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड किया है और आधी चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, और तकरीबन 2 से 3 चम्मच हरा धनिया, ये भी बारीक धोकर मैंने अच्छे से बारीक काट लिया था। बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बहुत क्विक और बहुत जल्दी झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। इसको आप शाम की चाय के साथ ले सकते हैं, इसको नाश्ते के टाइम पे आप ले सकते हैं, और अगर मेहमान आ जाते हैं तो चाय के साथ ये बहुत झटपट बन जाती है। बस इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि आप मैदा कम है या आलूओं में पानी ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं मैदा इसमें एक्स्ट्रा, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, यहाँ पर बैटर मेरा बैटर बन के तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छा सा सेट हो गया है, अंडा कॉर्नफ्लावर ये इसको बाइंड करने के लिए हैं। बस अब पैन में तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है, इनको शैलो फ्राई करेंगे और इसकी चूल्हा बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना क्योंकि हमने आलूओं को भी गलाना है। हल्की हल्की आँच पर ही फ्राई होंगे। बस जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा एक चम्मच इसी तरीके से सेट करके, आप कोई भी शेप दे सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, आप राउंड में भी बना सकते हैं, आप स्क्वायर में भी बना सकते हैं, नगेट शेप भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। मैंने बिल्कुल सादा सा नगेट शेप बनाया है। बस इसी तरीके से इसको हल्के हल्के हाथ से सेट हो जाएगा बिल्कुल ये, और हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर देंगे तो भी ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर स्किप कर सकते हैं, सिर्फ नमक और काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बहुत झटपट बच जाती है। ये देखें जैसे ही इस पर लाइट गोल्डन कलर आया है तो मैंने इसको तकरीबन
चार पाँच मिनट के बाद पलटा है, क्योंकि ये बहुत हल्की हीट पर बन रहे हैं, बहुत हल्की आंच पे बनेंगे, क्योंकि आलू कच्चे हैं, हमने उसे गलाना है। ये देखिए इस पर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। इसी तरीके से पलट पलट कर इसको हमने अच्छे से दोनों साइडों से गोल्डन कलर दे देना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ मेरे हैश ब्राउन रेडी हैं। इनको मैंने टिश्यू पेपर पे निकाल लिया मैंने, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत यूनिक। इसी तरीके से मैंने सारे जितना भी बैटर मेरे पास रखा था मैंने सारा फ्राई कर लिया। ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त से हल्के हल्के आंच पे फ्राई हो गए हैं। बस अब इसको सर्व कर दें केचप के साथ, मेयोनीज के साथ, चटनी के साथ, जो भी आपका दिल करता है। चिली गार्लिक सॉस के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये देखिए अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें ये बहुत क्रिस्पी और बहुत अंदर से सॉफ्ट बने हैं, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट हैं, और फ्लेवर भी इसका